everyone, welcome to What's Education. Today we will start projectile from a height. हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था. एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या था, जब भी हम किसी बॉडी को ग्राउंड से थ्रो करते हैं, अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कोई एंगल बना रहा है, उस वाले प्रोजेक्टाइल को हम कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल. अब हम क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट मीन्स, मान लो ये आपके पास कोई टावर है, हमने किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से थ्रो किया. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने यहाँ से उसको थ्रो किया, पहले तो वो कुछ टाइम तक यूं ऐसे ही मूव करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसके बाद वो कैसे फॉल करेगा फिर इस डायरेक्शन में यहाँ पे, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट. क्लियर है? ओके. अब देखो इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे अगर आप इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो हमने जो यूएक्स की वैल्यू होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आपके पास जो वैल्यू होगी इनिशियल वेलोसिटी की, वो किसकी है, वो किसके बराबर है, यू एक्स इक्वल टू यू के बराबर, बिकॉज हमने उसको कैसे थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद वेलोसिटी यू से हमने उसको थ्रो किया है ना. तो यू एक्स की वैल्यू यू आएगी इस केस में, और यू वाई की वैल्यू अगर हम पूछें यहाँ पर कितनी होगी तो उसकी वैल्यू जीरो है, बिकॉज यहाँ पर क्या था, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हमने उसको थ्रो किया, हमने तो कैसे किया, विद वेलोसिटी यू किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना. तो यू एक्स की वैल्यू यू होगी और यू वाई की वैल्यू यहाँ क्या होगी, जीरो होगी. फिर उसके बाद ये इस तरह से मूव करेगा, और जैसे ही यहाँ पे ऐसे मूव करेगा वैसे ही जो आपके पास y कंपोनेंट वाली वेलोसिटी है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज ड्यू टू ग्रेविटी. फिर उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी. क्लियर है? और जो अगर हम बात करें x, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात है, उसमें जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू u ही रहेगी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं होती है ना, जीरो होती है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर है आपको ये वाली चीज, बस यही चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे है ना. अब देखो अब और इस वाले केस में क्या है, देखो हमारे पास अब जो यू वाला कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट में भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है, बिकॉज कोई एंगल ही नहीं बन रहा है ना. हमने उसको कैसे थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद वेलोसिटी यू. अब देखो हमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और आप कह सकते हो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे फाइंड आउट करनी है इस केस में. हमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, तो हम पहले मान लेते हैं एट टाइम टी पे जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे पी पे, ठीक है. तो पी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई, मीन्स वो टी टाइम पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मूव करा वो, एक्स है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकल में कितना किया वो, वाई. अब हम क्या कहते हैं, हमें क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और वाई की वैल्यू, और हमें क्या करना होता है, इक्वेशन बनानी होती है कि वाई और एक्स में रिलेशन कैसा आ रहा है. अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में आ रहा है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर की कोई फॉर्म आ रही है, इट मीन्स वो आपके पास जो भी इक्वेशन है वो किसकी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला. और उसी बेस पे हम कहते हैं कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो कैसा है, पैराबोला है या कुछ और है. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सबसे पहले ले लेंगे मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बिकॉज हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना. तो डिस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, देखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस एक्स क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग की बात कर रहे हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर. अब देखो ये सारी वैल्यूज इसमें क्या क्या होंगी, यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू, हमने यू इनिशियल वेलोसिटी से उसको थ्रो किया है ना. और एस एक्स की वैल्यू, ये तो हमें x लेना है, इसकी वैल्यू हम x लेंगे. क्लियर है? ए एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन की, जीरो होती है ना. अब यहाँ से ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो देखो यहाँ आ जाएगा x, यू एक्स की जगह आ गया आपके पास u, और उसके बाद यहाँ पे t की वैल्यू वैसी रहने वाली है ना. और यहाँ पे क्या है, हाफ ए एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो. तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो. क्लियर है? तो यहां से देखो क्या चीज आ गई, एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ गया, यू टी. अब देखो जैसा हमने लास्ट वाले केस में किया था एंगुलर प्रोजेक्टाइल में, जब पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने फाइंड आउट किया था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो वैसे यहां से टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. टी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, एक्स डिवाइडेड बाय यू. बस ये वाली चीजें हमने यहां से फाइंड आउट कर ली. क्लियर है आपको ये वाला, है ना. अब देखो नेक्स्ट करना है हमने मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में. वर्टिकल डायरेक्शन में वही हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो एस वाई इक्वल टू क्या हो गया, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर. अब देखो यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या हैं, एस वाई को क्या राइट डाउन करेंगे हम, वाई
है ना, बिकॉज हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और उसके बाद देखो यू वाई की वैल्यू, हमने क्या कहा यू वाई की वैल्यू क्या थी, इनिशियल वाली वेलोसिटी क्या थी वर्टिकल डायरेक्शन में, जीरो, तो यू वाई की वैल्यू जीरो है। और ए वाई की वैल्यू क्या आएगी, जी, बिकॉज देखो मोशन भी इसी डायरेक्शन में है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जी आएगी इसकी वैल्यू। क्लियर है, अभी सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, वाई इक्वल टू यू वाई की वैल्यू जीरो है तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, प्लस हाफ ए वाई की जगह जी, और साथ में क्या आ गया टी स्क्वेयर, टी की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, देखो हमने क्या कहा था जो हम यहाँ पे निकालते हैं, टी इक्वल टू एक्स एक्स बाई यू, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय यू का स्क्वेयर। क्लियर है, तो देखो ये क्या आ गया, वाई इक्वल टू किसके बराबर आ गया, हाफ जी डिवाइडेड बाय यू स्क्वेयर। अगर हम इसको ऐसे राइट डाउन करें और ये एक्स स्क्वेयर को हम बाहर रहने दें अगर, है ना, बिकॉज हमें वो इक्वेशन बनानी है, ये एक्स स्क्वेयर यही आएगा ना, देखो जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय यू स्क्वेयर, हमने यू स्क्वेयर को यहाँ राइट डाउन कर दिया और एक्स स्क्वेयर को बाहर कर दिया ब्रैकेट के। क्लियर है, अब अगर हम इस वाली टर्म को, ये वाली जो अंदर वाली टर्म है, इसके हम के मान लें, तो वन बाय टू जी डिवाइडेड बाय यू स्क्वेयर को अगर हम के मान लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर। और ये वाली इक्वेशन तो कौन सी है, ये तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गई, एक वाई की टर्म है और एक क्या है एक्स स्क्वेयर की टर्म है। क्लियर है, तो इसे हम क्या राइट डाउन कर लेंगे, देखो तो देखो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर के बराबर आया, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हैंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला, हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं ये। क्लियर हो गया आपको, ये सिंपल, हमने क्या किया अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिया मोशन पहले, फिर हमने क्या लिया वर्टिकल डायरेक्शन में लिया, वैल्यूज पुट करी हैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जब जब हमने लिया वहाँ से हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करी और वहाँ पे वो वर्टिकल डायरेक्शन वाले के में हमने वहाँ पे पुट कर दी और वहाँ से ये वाली इक्वेशन आ गई। क्लियर है, अब देखो इसमें नेक्स्ट वाला है, कभी कभी वो पूछ लेते हैं इस केस में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट टी, किसी टाइम टी पे आप जो है वेलोसिटी फाइंड आउट करो, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या है, अगर इस तरह से पूछते हैं देखो तो किस तरह से करेंगे, मान लो अभी पी पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो ऐसे जा रहा है इस वेलोसिटी से, ये वी वेलोसिटी से, मान लो ये है आपकी वेलोसिटी वी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा वी एक्स की वैल्यू ये होगी, ये आपका एक्स डायरेक्शन की तरफ, और वी वाई कौन सी है ये वाली वी वाई की वेलोसिटी होगी। क्लियर है, तो देखो इसमें जो आपके पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, अगर हम इस तरह से राइट डाउन करें देखो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वी एक्स की वैल्यू, है ना, वो तो किसके बराबर है, वो तो हमने कहा कि हॉरिजेंटल वाली वेलोसिटी क्या रहती है कांस्टेंट, वो जो यू एक्स थी यहाँ पे, है ना, यू वेलोसिटी से हमने किया था उसको थ्रो, तो उसकी वैल्यू तो वही रहने वाली है कांस्टेंट, तो वी एक्स की वैल्यू भी क्या होगी यू ही होगी, है ना। अब अगर हम वर्टिकल की बात करें, जो आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी तो वी वाई, है ना, ये हमने ये पी ए मान लिया, इसको आप पी भी मान लो, ये वाली ये हमें फाइंड आउट करनी होगी वी वाई की वैल्यू, है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो आप कौन सा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी वाई इक्वल टू आपके पास होगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब देखो इस वाले केस में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, देखो गिवन यू वाई की वैल्यू क्या है जीरो, यू वाई हमने क्या कहा था इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है जीरो है, और ए वाई की वैल्यू क्या है जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, तो यहाँ से अब आपके पास वी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी वाई इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये जीरो आ गया और यहाँ पे आ गया प्लस जी टी, तो यहाँ से आपके पास जो वी वाई की वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई जी इंटू टी, ये आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी ये वाली आ गई और हॉरिजेंटल वाली तो ये वाली है यू ही है। क्लियर है आपको, है ना, तो अब इसके बाद देखो अगर हमें फाइंड आउट करना है अभी रिजल्टेंट वेलोसिटी वी, द रिजल्टेंट वेलोसिटी वी इज गिवन बाय, वो किसके बराबर होगी, देखो v इक्वल टू किसके बराबर होती है वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, इसके बराबर ही होती है ना वी वाई स्क्वेयर, तो किसके बराबर आ जाएगी वो आपके पास u स्क्वेयर प्लस, और वी वाई की वैल्यू क्या है g t, तो g स्क्वेयर t स्क्वेयर,
सिंपल, आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इस तरह से आ जाता है। अब देखो, देखो ये तो हमने वेलोसिटी का, देखो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, रिजल्टेंट कैसे, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब अगर हमें कहना है, कहे कि हमें इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, देखो लेट वी मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, मान लो जो ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये कौन सा एंगल बना रही है हॉरिजेंटल के साथ, मान लो बीटा बना रही है, तो हमें पता है टेन बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे हम, देखो टेन बीटा होती थी, है ना, और टेन बीटा किसके बराबर होगा, वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स, और वी वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, जी टी डिवाइडेड बाय यू। देखो या तो आप इसको सिंपली याद ही रख लो वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स, अदरवाइज आप यहाँ सॉल्व भी कर सकते हो, देखो जब आपने इसको ऐसे करके, देखो यहाँ पे इसको, इसको यहाँ से मिला दो इस तरह से, क्लियर है, देखो अगर ये वी वाई है तो ये भी किसके बराबर हो गया, वी वाई के बराबर, ठीक है। अब देखो बीटा के सामने वाला एंगल के सामने वाली चीज़ क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया, है ना, टेन बीटा में फाइंड आउट करना है, टेन बीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया वी वाई के बराबर, और बेस क्या है वी एक्स, या आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो टेन बीटा की वैल्यू आएगी वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, जी टी डिवाइडेड बाई यू, और यहाँ से आप बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, टेन इनवर्स जी टी डिवाइडेड बाई यू, क्लियर है आपको, इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो, देखो ये चीज़ आपको क्लियर होगी ना, देखो इस तरह से है ये, ऐसे अगर आपके पास ये कौन सा है v है, ये आपके पास क्या है vx, और ये क्या है आपके पास vy, है ना, इस तरह से, तो देखो इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया इस तरह से, अगर ये vy है तो ये भी क्या हो जाएगा vy, इसके सामने वाला, है ना, ये vx है, और ये वाला एंगल अगर हम कौन सा बोल रहे हैं, देखो इसके साथ ये कौन सा एंगल बना रहा है, मान लो ये वाला एंगल कौन सा बना रहा है बीटा, हमें टेन बीटा फाइंड आउट करना है, देखो इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये बेस होता है ना, और आपके पास जो टेन की वैल्यू होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये वाला हो गया, परपेंडिकुलर हो गया वी वाई, और बेस ये वाला वी एक्स, तो वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, क्लियर है आपको। देखो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट टी, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर है। देखो आज हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में अंडरस्टैंड किया और वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट टी, हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर है, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया, ओके थैंक यू।